सो वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज हम वापस से बियर्ड लाइनअप भी करेंगे, देख सकते हैं। तो सोच रहे होंगे जॉय क्या यार, क्या बात है तुझे, क्या बियर्ड रखने का शौक चढ़ा है? ऐसे नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा कभी थोड़ा चेंज हो तो अच्छा लगता है, वरना फिर वही बोरिंग सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आज डिफरेंट लाइनअप। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उस तरह से कैसे लाइनअप करना है, और आज हम देखेंगे इस तरीके से कैसे लाइनअप करना है। आज हम यूज करेंगे डी इरेजर। तो रखे हुए काफ़ी टाइम से मार्कर 34C, इसमें फेदर ब्लेड है, अब तक चेंज नहीं किए, जब से डली तब से एक महीना हो गया। शेविंग भी बहुत ज़्यादा नहीं की कंपेयर करने के लिए, या फिर जो पहले दो तीन बार मैंने इसे शेव करके देखा था कम्प्लीटली, बस उतना ही है। और आज हम यूज़ करेंगे सिमेल का शेविंग जेल। आज फाइनली इसका नंबर आ ही गया। तो सिमेल शेविंग जेल, नॉन फोमी शेविंग जेल, सल्फेट फ्री फॉर्मुलेशन, रेगुलर एंड रिफ्रेशिंग शेव एक्सपीरियंस। ऑलराइट, तो इसका मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ आपको। सिमेल नॉन फोमी शेविंग जेल रेगुलर विथ रोज एक्सट्रैक्ट, एडवांस फॉर्मूला, नॉन फोमी शेविंग जेल प्रोवाइड सुपीरियर लुब्रिकेशन एंड कम्फर्ट वाइल प्रोवाइडिंग मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेजर बर्न। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्रेटर शेविंग एक्यूरेसी। ओके, बिकॉज ऑफकोर्स क्योंकि हम देख पाते हैं ना कि कहाँ पर लाइनिंग है, कहाँ क्या है, तो शेविंग एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। एंड देन एनहेंस विथ एलो, विटामिन ई, आमंड, स्पीयरमेंट ऑयल, अदर एक्टिव्स टू मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट इवन द मोस्ट सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन के लोग इसको यूज करके आप ट्राई कर सकते हो। इसमें बोला है पंप अ सूटेबल अमाउंट ऑफ शेविंग जेल ऑन योर फिंगर्स, अप्लाइंग ऑन फेस एंड नेक एरिया, मसाज जेंटली एंड स्टार्ट शेव स्मूथली। ऑलराइट, इसमें अब कुछ इंग्रेडिएंट्स है आपको बता देता हूँ, फोकस नहीं हो पा रहा, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा किसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, या आप पॉज करके देख लीजिए। तो लाइनिंग अप विद द सिमेल नॉन फोमी शेविंग जेल, सो थंबनेल के लिए। अच्छा, मैन्युफैक्चर्ड बाय एकांश इंटरनेशनल, भिवंडी थाने, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ऐसे थाने, और मार्केटेड बाय MTS इंटरनेशनल मुंबई। ठीक है, 199 rupees MRP है ये, मुझे आई गेस 130 में मिला था या। और इसका वेट है हाफ लीटर, 500 ml है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फटाफट मैं थोड़ा सा मॉइस्ट करता हूँ अपनी उंगलियों को, एंड आज फिर से लाइनअप करना है। तो या अभी ओपन हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो पहला थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दूंगा मैं, एंड देन वेरी गुड एरोमा यार, इसका एरोमा काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। थोड़ा सा एरिया में और थोड़ा सा इस एरिया में, जैसे यहाँ पे शेविंग नहीं करना है, पर जस्ट फॉर मेकिंग द हेयर लाइन अप मैं थोड़ा सा लगा के रख रहा हूँ। तो बस थोड़ा सा आपने देखा, दो तीन स्क्वर्ट्स मैंने यूज किए हैं। और अब सबसे पहले नेक एरिया से स्टार्ट करते हैं। सो माय रिजर्व मार्कर 34C, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिए कि किस प्रकार से हमने ट्रिमर से लाइनिंग पहले की थी और फिर ट्रिम किया था और फिर उस तरह से शेविंग किया था। ये वाला उस तरह हमने यूज किया था उस वीडियो में, पिछले वाले। आज 34C, दैट इज अ डी रिजर्व,
लाइन हमारी ऑलरेडी सेट है, लाइन सेट ना हो तो पहले आप ट्रिमर से ही सेट कर लीजिए, स्टबल बहुत ज़्यादा हो तो, स्टबल आपका कम हो तो आप डायरेक्टली उस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आप नए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिमर से ही करो। ये सही हो गया जी। और अब आपको पता पड़ा मुझे क्यों एडिट करने पड़ते हैं वीडियो, मुझे कोई शौक नहीं एडिटिंग करने का, आई एम नॉट अ वीडियो एडिटर, बट दिस इज व्हाई आई हैड टू लर्न इट, और मुझे करना पड़ता है वीडियो एडिटिंग। बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं यार जिसके कारण, जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, बट फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है, आप लोग सपोर्ट भी करते हैं, इतना एडमायर भी करते हैं, सजेशन भी देते हैं, इसलिए यू नो हर बार मैं मोटिवेट रहता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो दिस इज दिस लाइनिंग अप इज डन, सिंपल, कोई इशू नहीं, हो गया। अगर आप और फिनेस चाहते हैं तो फिर आप अगेंस्ट द ग्रीन भी जा सकते हैं, अक्रॉस द ग्रीन भी कर सकते हैं, तो फिर आपका और ज़्यादा क्लीन होते रहेगा, बट आप अपने शेविंग या स्किन की लिमिट्स जान करके वैसा कीजिए, ताकि आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम योर एम शुड बी टू हैव अ कम्फर्टेबल एंड स्मूथ शेव, इवन इफ इट इज़ नॉट अ BBS शेव। अभी आने वाले वीडियोस में हम कुछ नए टेक्निक्स देखने वाले हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी रिव्यू करने वाले हैं, तो आने वाले वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। कुछ फॉरेन प्रोडक्ट्स भी है, कुछ देसी प्रोडक्ट्स भी है जो बहुत अमेजिंग है, जो अभी तक मतलब हमें पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट भी करते हैं, मुझे भी नहीं पता था, सोचो ऐसी बात नहीं है, बट या वो सब रिव्यू करेंगे और उनको यूज़ करके देखेंगे कि कैसे मज़ा आता है, क्या होता है। सो दैट्स इट, अगर आप चाहें तो इसके बाद आप रिंस करके वापस से फेस वॉश करके या बियर्ड एंड फेस वॉश करके आप बियर्ड ऑयल, बियर्ड वैक्स या बियर्ड जेल लगा सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट योर डे और यू कैन कंक्लूड योर डे एज वेल। सब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, कीप अप द गुड शेव्स, नमस्कार, बाय बाय।